समाज चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। और शातिर बदमाश कितना भी ब्लाइंड मर्डर में एक्सपर्ट क्यों ना हो, पुलिस धूल चटा ही देती है। ऐसा ही कर दिखाया हरियाणा के फतेहाबाद की पुलिस ने। दरअसल थाना सदर पुलिस की टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया है, जो कि कई दिनों से इंसाफ के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा था। दरअसल पूरा मामला सिंबलवाला गांव का है। थाना सदर पुलिस की टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए इसी गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। और पकड़े गए आरोपी की पहचान सिंबलवाला निवासी राजेंद्र उर्फ काका के रूप में हुई है। पुलिस को पूछताछ में आरोपी राजेंद्र ने बताया कि मृतक के बहनोई हरविंदर ने उसे अपने जीजा की हत्या करने के लिए 20,000 रुपए में सुपारी दी थी। एसएचओ ने बताया कि पंजाब के गांव माखेवाला से लाभ सिंह के शव को बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर हत्या का केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हरविंदर को गिरफ्तार किया गया। एसएचओ ने आगे बताया, आरोपी राजेंद्र शराब का आदी है, जिसके चलते हरविंदर ने उसे 20,000 रुपए देकर अपने जीजा की हत्या करवाई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, जिसके बाद उसके कब्जे से हत्या में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल और AK-80 बरामद किया जाएगा। 5 तारीख को दोपहर को 340 IPC का पर्चा दर्ज किया गुमशुदगी का, और उसी शाम को हमारे पास ये मानसा जिले में पड़ता है जनीर थाना, वहाँ से SHO का फ़ोन आया, मेरे मुंशी के पास भी फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी मिली है और आप मतलब ये आपके एरिया के उधर से आई है, तो उन्होंने शक जताया कि ये आपके एरिया से है। तो फिर हमने और परिजनों ने साथ मिलकर हमने वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसके हाथ में उसने कुछ कोई काड़ा ऐसे कुछ पहना हुआ था कड़ा सा, और 2-3 चीज़ें और जैसे ताबीज़ वगैरह पहनते हैं, तो उनसे परिजनों ने पहचान कर ली कि ये लाभ सिंह है, हमारा जो परिजन है। दरअसल पुलिस को 5 जून काला सिंह निवासी फतेहपुरी ने बताया कि उसके चाचा लाभ सिंह घर से गायब हैं, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने जांच को आगे बढ़ाते हुए अहम जानकारियां जुटाई और एक आरोपी राजेंद्र उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीमें लाभ सिंह की तलाश कर रही थी, अचानक पंजाब के मानसा जिले से पुलिस का फोन आया कि सिरकटी लाश बरामद हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसकी पहचान की है।